पंचायत भोगावा क्षेत्र में बसे इनपुन पुनर्वास में इन दिनों लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर लगभग एक महीने से पीने का पानी बहुत ही गंदा आ रहा है। यहां पर इतनी बड़ी योजना है कि डूब प्रभावितों के लिए NHDC ने वाटर फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है, पर इसको चलाने वाला कोई मालिक नहीं है। यहाँ की जनता व बच्चे गंदा पानी पीने के कारण बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर पानी को पूरी तरह फिल्टर भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पानी को शुद्ध रूप देने के लिए ब्लीच पाउडर और फिटकरी यहाँ पर लगभग 4 महीने से उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी साफ पानी मिलता आ रहा है, पर एक महीने से तो बिल्कुल ही गंदा पानी मिल रहा है। आज ग्राम पंचायत भोगावा सरपंच व सचिव ने ग्रामीणों की शिकायत पर आकर वाटर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कई प्रकार की कमियां देखी। ग्राम पंचायत सचिव बलिराम बिरला का कहना है कि यह योजना पहले NHDC ने बनाई और चलाई थी, परंतु कुछ सालों से पंचायत के सुपुर्द कर दिया है, परंतु यहां पर बहुत ज्यादा कोई मेंटेनेंस का पैसा आता नहीं है, इसलिए हम इस योजना को नहीं चला सकते हैं। यह वापस NHDC को मिलना चाहिए, जिससे यह योजना सुचारू रूप से चलती रहे। पेयजल में गंदा पानी फिल्टर प्लांट पे पाउडर खत्म हो जाने की वजह से वो गंदा पानी यानी 15 रोज से मिल रहा है। आगे आप क्या व्यवस्था करेंगे इसके लिए? आगे व्यवस्था ये कि भाई ग्रामीणों की शिकायतों पर हम यहाँ पर फिल्टर प्लांट पे आए और देख आए और सचिव महोदय को इसकी शिकायत कर यानी कि निरीक्षण किया। इसके बाद में यानी कि जो भी समस्या है ग्रामीणों की उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया। बहुत बढ़िया, क्या नाम लिखते हैं? गजानन पिंडारे, ग्राम पंचायत भोगा। पीने का पानी पूरा गंदा आ रहा है, गंदा पानी, उस विषय से हम यहाँ एकत्रित हुए थे। इसकी सूचना पहले भी सरपंच सचिव साहब को भी दे चुके हैं, उन्होंने भी आगे डाली है, लेकिन जब तक NHDC वापस इसको हैंडओवर नहीं करती। अभी NHDC ने पंचायत की हैंडओवर कर दी थी, जबरदस्ती है माथे पाड़ी है। और यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो NHDC के अलावा कोई नहीं कर सकता। पंचायत में इतना फंड नहीं आता जो इसका देख रेख कर सके, इसलिए हम चाहते हैं कि ये वापस NHDC के सुपुर्द हो, क्योंकि हमें जब डूब क्षेत्र के हम निवासी है, हमारी ज़मीनें मकान सब डूब में गए हैं, जब से हमको NHDC पानी में पूरा रही थी और हमेशा पुराई की ये बात भी हुई थी, लेकिन अब ज़बरदस्ती ये माथे थोप दी गई है पंचायत के, और पंचायत में इतना फंड आता नहीं है कि ये NHDC का भार उठा सके। और दूसरी बात, यहाँ पर पानी की भी समस्या होती है, पानी भी कभी कभी 8 दिन में नल आते हैं, कभी 10 दिन भी हो जाते हैं। इसमें क्या है, टंकी का अभाव है। यहाँ पर 11 KV का मोटर है जो 3 टंकियाँ भर सकती है, इतनी पावर है उसमें, लेकिन यहाँ 1 टंकी है। तो हमारी ये भी मांग है कि 1 टंकी और बनाई जाए, जिससे पूरे गांव में पानी की सप्लाई अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में हो सके। क्या नाम लिखते हैं? दीपेश राव। में इलेक्ट्रिक पाउडर जो होता है पानी को साफ करने वाला, ये अभी उपयोग में उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हम डिमांड भेजी है। और ये NHDC ने ग्राम पंचायत हिंडवर के परंत इतनी बड़ी योजना, ये लाखों की योजना है, इसका पर मंथ लाखों, और पंचायत इस योजना को चलाने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि योजना बहुत बड़ी है और ग्राम पंचायत में वसूली नाम मात्र के बराबर होती है, कि ग्रुप वाले लोग हैं, इनसे वसूली भी किया जाना उचित नहीं माना जा रहा है, और यह योजना ग्राम पंचायत के साथ चल नहीं सकती। इसलिए वापस को सभी लोगों की यही मांग है, या तो विधायक महोदय के माध्यम से या CM साहब को अवगत कराया जाए कि योजना वापस या तो विभाग को दिया जाए या फिर NHDC को वापस की जाए, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त मिल सके। लगभग कितने रोज से गंदा पानी आ रहा है, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? योजना नर्मदा से, जब नर्मदा में जब गंदा पानी है तो यह गंदा पानी वहीं से आ रहा है, और लगभग 15 रोज से चल रहा है पानी। अभी तत्कालिक क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? अभी ब्लीचिंग पाउडर ये डालने की व्यवस्था कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया है, लेकिन उससे साफ पानी नहीं होगा। पानी स्वच्छता तो है लेकिन साफ नहीं हो पाया, वो जो ये पाउडर होता है उससे पानी साफ होता है। उसकी हमने डिमांड भेजी है, परंतु राशि के अभाव में, क्योंकि हैंडवर ग्राम पंचायत के राशि जनपद पंचायत में NHDC जमा करी, हमने वहाँ डिमांड भेजी है, जनपद के कर्मचारी अधिकारियों से बात करी, उन्होंने बोला हमें अभी तक ऐसी राशि प्राप्त नहीं हुई है। क्या नाम लिखते हैं? बलिराम बिरला, सचिव ग्राम पंचायत। और गंदे पानी को लेकर पूर्व में भी NHDC के द्वारा ब्लीचिंग और जो भी गंदे पानी को साफ करने की चीज़ें आती, फिटकरी वगैरह, उसके माध्यम से पूर्व में भी साफ सुथरा पानी मिलते रहा है, लेकिन अभी इस वर्ष चुनाव के बाद में, इस वर्षा ऋतु में, मैं भी इसी पुनर्वास पर निवास है, लेकिन करीब 1 महीने से
गंदा पानी आ रहा है और गंदे पानी की वजह से बहुत सारे इनपुन पुनर्वास के लोग बीमार भी हुए हैं। इसके लिए अपन क्या क्या प्रयास कर सकते हैं कि ये गंदा पानी ना आए? पूर्व में एनएचपीसी के द्वारा ब्लीचिंग और दी जाती थी। अब एनएचपीसी ने ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया। ग्राम पंचायत को हैंडओवर करने के बाद सारी राशि जनपद में आती है और इस गंदे पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग और फिटकरी के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत भगवान सरपंच साहब और सचिव महोदय दोनों मिलकर एनएचपीसी से डिमांड करें या फिर जहां से भी उपलब्ध होती है, जैसे कि हमने पता किया कि देवास में फिटकरी की और ब्लीचिंग की फैक्ट्री है, उसके माध्यम से यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आवश्यकताएँ होती है वो बुलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से डिमांड कर या तुरंत बुलवा कर इस फिटकरी और ब्लीचिंग के माध्यम से पानी साफ करो और इनपुन पुनर्वास, इनपुन भोगाव पुनर्वास और जहाँ जहाँ भी पानी का वितरण होता है साफ़ सुथरा पानी दिया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को, ग्राम की जनता को साफ सुथरा पानी मिले और स्वस्थ रहें लोग। दोपहर न्यूज़ के लिए खंडवा से अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट।